दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ गए एलेक्सा एक्विटीज के। दीपन स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। लगातार मिड कैप स्मॉल कैप्स में वो सेल साइड की पोजीशंस बरकरार हैं, कल थोड़ा सा रिलीफ मिला लेकिन आज फिर से वो बिकवाली बढ़ती हुई। क्या हो गया है मेजॉरिटी ऑफ द सेल साइड पोजीशंस जो आनी थी शेकआउट, या फिर कुछ बाकी है? गुड मॉर्निंग अर्षदा, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आपका बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी करेक्शन आता है तभी बोल नहीं सकते हैं कि कहाँ पर ये करेक्शन कहाँ पर जाके रुकेगा। लेकिन अभी भी इसी लेवल पे आज के दिन में भी देखेंगे तो इतनी ज्यादा करेक्शन आई नहीं है इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स है उनमें इतनी ज्यादा करेक्शन आई नहीं है। दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स, और मेरे ख्याल से अगर ये करेक्शन जो एक मेरे ख्याल से हेल्दी करेक्शन है, आई थिंक दैट इट हैज गॉट सम मोर स्ट्रेंथ इन इट, और इस लेवल से जो भी इंडाइसेस है, ऑल दी मार्केट इंडाइसेस कैन सर्टेनली ट्रेड मच लोअर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और सो। साइड की पोजीशन शायद कुछ और कंटिन्यू होती दिखाई दे सकती है, लेकिन दीपन इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या निवेशकों को अपने आप को रीपोजिशन करना चाहिए और वेट टिल द स्टॉर्म पासेस? क्योंकि एक डर था कि ये स्ट्रेस टेस्ट में, और हमने देखा है म्यूचुअल फंड्स ने अपना बता दिया है कि 25% अगर लिक्विडेट करना है कितने दिन लगेंगे, 50% लिक्विडेट करना है तो कितने लगेंगे। सुबह में जो अपडेट आया था कुछ लोगों को 20-28 दिन लग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 2-3 दिनों में इफ जरूरत पड़ी वो संभाल लेंगे। सो इट्स नॉट अक्रॉस द बोर्ड कि बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। उस पर्सपेक्टिव से रिटेल निवेशक जिन्होंने अच्छा खासा पैसा SIP से लगाया है मार्केट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिड और स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी पोजिशन आगे और लेने के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए रणनीति क्या होगी? वो SIPs को क्या जारी रखें? अगर मैं सीधे तौर पर मार्केट में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद रही थी एक बास्केट में, क्या उस पर एक पॉज करना चाहिए? उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, आई थिंक अगर SIP कर रहे हैं तो डेफिनेटली SIP आपको चालू रखनी चाहिए, क्योंकि SIP की कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब करेक्शन में आप निवेश करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पोर्टफोलियो में जो कैश है वो कैश के लेवल्स आप धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये करेक्शन और डीप होती जाती है तो यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट लोअर प्राइसेस, और वैसे भी आप जो भी खरीदेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव है। इवन इफ इट्स अ गुड बिजनेस इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस अर्निंग ग्रोथ ऑफ अराउंड 3 to 4 times और सो, इट्स बेटर टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट दिस करेक्शन प्ले आउट। थोड़ा डस्ट सेटल होना चाहिए एंड इफ स्टॉक्स आर करेक्टेड बाय 30-40% देन यू मेक अ बाय एंट्री, दैट विल बी सर्टेनली अ बेटर स्ट्रेटेजी, और अच्छे रिटर्न बाद में मिल सकते हैं। ओके दीपन, अभी तक पहले तो नमस्कार आपको और वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। अभी तक हर्षदा का जो दो सवाल थे वो प्रमुखता केंद्रित थे, सेंट्रलाइज थे, आई थिंक फोकस थे मिड कैप्स और स्मॉल कैप को लेकर। क्या कुछ सेफ आपको लार्ज कैप लग रहे हैं? हालांकि लार्ज कैप में भी मूव काफ़ी अच्छा था, आई मीन लास्ट 1-1.5 महीने में वहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। क्या लार्ज कैप भी इस फॉल में उतना ही प्रोन है? टारगेट करेगी क्या सेलिंग उनको भी आपके मुताबिक? या गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मेरी राय में ना मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, और सेंटिमेंट भी थोड़ा फ्लैग मैंने खराब होता जा रहा है। अगर कुछ भी ट्रिगर आ जाता है तो मार्केट कैन सडनली यू नो करेक्ट बाय इवन 5-10% ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस। लेकिन कोई ट्रिगर नहीं भी आता है तो यू विल एक्सपेक्ट साइडवेज मूवमेंट फॉर मेनी वीक्स, क्योंकि बाइंग के लिए ऐसी कोई खास ट्रिगर है नहीं। अभी जो अर्निंग सीजन है दैट विल स्टार्ट इन मिडल ऑफ अप्रैल, और वहां पर भी आई डोंट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर स्टॉक प्राइसेस टू मूव अप। एक बढ़िया सा ट्रिगर आएगा इन मे व्हेन द फाइनल रिजल्ट्स आर आउट फॉर द जनरल लोकसभा इलेक्शंस, पर ये मेरे ख्याल से काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कॉशन सर्टेनली इज रिक्वायर्ड, वेदर इट्स लार्ज कैप मिड कैप डजंट मैटर। और आपने जो प्रश्न पूछा कि वेयर इज द सेफ प्लेस टू हाइड, अकॉर्डिंग टू मी द सेफ प्लेसेस टू हाइड राइट नाउ इज फार्मा, और अगर टेक स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आता है या फिर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इन द मार्च क्वार्टर, देन आई वुड से टेक यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको एक अच्छा खासा यू नो सेफ जोन मिल जाएगा। बट ऑन द होल आई थिंक द सेफेस्ट इज टू बी इन कैश और इन फॉर दैट मैटर इनकम फंड्स। सो इन्वेस्टर्स शुडली कंसिडर दैट कैश ऑल्सो इज अ इन्वेस्टमेंट, इनकम फंड्स ऑल्सो आर इन्वेस्टमेंट, दे कैन रिमेन इन्वेस्टेड ओवर देयर
और अगर करेक्शन आता है 10-15-20% स्टॉक प्राइस करेक्शन आती है, दैट मे बी अ गुड एंट्री पॉइंट. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कंप्लीटली सेल ऑफ द फुल पोर्टफोलियो, सर्टेनली हम लोग वो भी नहीं कर रहे. जो अच्छे होल्डिंग्स है, कई सालों से आपने इन्वेस्ट किया है, यू रिमेन इन्वेस्टेड, बट ग्रेजुअली ट्राई टू सी हाउ आप अपने कैश लेवल्स पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं. यकीन मानिए दीपन जी, एक जमाने बाद किसी ने जिक्र किया कि कुछ समय के लिए इनकम फंड की तरफ चले जाओ. बहुत दिनों बाद जो चल रहा था पिछले 6 महीने से, साल भर से, पहली बार बहुत दिनों बाद जिक्र हुआ इनकम फंड का. अच्छा, कुछ पॉकेट्स जिन्होंने जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल बदलाव हुए हैं, फॉर इंस्टेंस ITC एक बड़ा एग्जिट, और बहुत अच्छे अच्छे नाम जो थे वो 400 रुपये के प्राइस पर एंट्री करके गए हैं. ITC आपको इस प्राइस पर कैसा लग रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीने की 4 महीने की तेजी की में, मतलब इनफैक्ट लास्ट अगस्त से इसने तेजी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था. योर व्यू एट ऑन ITC एट 422. ITC होटल जब लिस्ट होगी डेफिनेटली वी लुक एट इट सेपरेटली, पर अगर आप ITC का मेन बिजनेस देखेंगे यानी कि टबैको बिजनेस, नो डाउट इट्स अ कैश काउ, पर उसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज बिलो 2-3% और सो, और इस इतने लो वॉल्यूम ग्रोथ इज सर्टनली नॉट इम्प्रेसिव. जो बाकी उन्होंने अन्य बिजनेस क्रिएट किए यानी कि एग्रीकल्चर है या FMCG है, दे आर स्टिल टू अचीव फुल पोटेंशियल. एंड ऑन द होल आई थिंक ITC प्राइस स्टॉक प्राइस वाज स्टैग्नेटिंग लार्जली बिकॉज ऑफ स्टैग्निंग परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल से आगे चलते भी इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे ITC में. सो आई लाइक टू बी अंडरवेट इन ITC. नो डाउट एक PE करेक्शन हुआ यहाँ पर, यानी कि जो वैल्यूएशन थे दे वर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, अच्छे डिविडेंड यील्ड मिल रही थी, इसकी वजह से वी सॉ रैली इन द स्टॉक प्राइसेस. रैली कोइंसाइडेड विद ओवरऑल रैली इन अक्रॉस द बोर्ड, सो इट्स नॉट दैट ओनली ITC हैज आउटपरफॉर्म बाय मेजर मार्जिन, इट्स दैट ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा था, इन्वेस्टर लुकिंग फॉर लैगर्ड स्टॉक्स टू बाय, एंड देयरफॉर ITC डिड वेल. बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आई डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ आउटपरफॉर्मेंस फ्रॉम ITC. एंड एज आई सेड ITC होटल सर्टेनली वी कुड लुक एट इट सेपरेटली, क्योंकि होटल्स पर हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है. But apart from that, I think, as I said, that it's better to just wait and watch. And there will be many, many interesting counters that will turn quite, I would say, cheap if this correction gathers momentum. ओके, ये फिलहाल आपके लिए ITC पर राय. दीपन, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी आज के प्राइस कट पर जो पेट्रोल डीजल में सरकार ने अनाउंस कर दिया है, और इसका इंतज़ार था. पहले नवंबर में बात हो रही थी, अब आया है इवेंचुअली मिड मार्च में, ठीक इलेक्शन डेट से पहले. क्या आप इन कंपनियों में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि HPBP IOC हैव बीन यू नो वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टॉक्स इन वन रैली, और उसके बाद क्योंकि वो विनिवेश नहीं हो पाया तो फिर ये साइडलाइंस पर थे, रिटर्न्स इनमें डिसेंट रहे हैं. अब इस प्राइस कट के बाद क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे, मार्जिन्स पर कितना ये इम्पैक्ट आएगा, हाउ आर यू एनालाइजिंग इट? See, Harida, even now they do not have complete independence in pricing, or kafi had tak they have to rely upon government policies and when elections are there and when it's when elections are not there. So it pura ka pura unko flexibility nahi hai in terms of pricing, and that certainly is negative, and it explains why the low multiples these companies trade at. And end of the day, itni badhiya unki track record bhi nahi rahi hai. Ha, definitely shares saste hai. डिविडेंड यील्ड अच्छा है, और सभी कंपनियों में काफी हद तक नए एक्सपेंशन प्लान्स भी चालू होने वाले, न्यू प्लान्स आर गोइंग टू गो ऑन स्ट्रीम, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में लुक अप फॉर द कंपनीज. बट यू नो एज आई सेड दैट दीज स्टेट रन कंपनीज, बी एट पेट्रोलियम कंपनीज और फॉर दैट मैटर अदर स्टॉक्स, दीज आर गुड स्टॉक्स टू बाय इन अ बुल मार्केट. जब बाकी सब खत्म हो चुका है, ऑल दी अदर गुड क्वालिटी स्टॉक्स they have been run up significantly and are trading at expensive valuations, then when you look for pockets of low PE multiple, you can buy these companies which anyway have got a very poor track record and have not been great wealth creators. But just what we expect for the market, you know, that there could be a deeper correction. At least in 2024, we expect the index to test the 200-day moving average. So there could be deeper correction at that point of time. It's better to go for jo quality companies hai, you know, which have got a solid track record, very aggressive management, strong brand, strong technology, strong position in the market. I think one should be focusing on those companies than the stocks which have not delivered even over the last 20-30 years that they've been around and are purely dependent upon economic cycles.
और गवर्नमेंट पॉलिसीज। फेयर इनफ। दीपन, एक और स्टॉक जो थोड़ा सा आजकल खबरों में आया है वो है भारती एयरटेल, जहां पर हमने देखा सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी बेची, GQG एक नया निवेशक के तौर पर उभर कर आया है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या इस तरह के मार्केट में थोड़ी सी अपनी चाल को बनाए रखेगा, क्या रिटर्न्स आ सकते हैं? आई थिंक यू नो आपने सेफ स्टॉक्स की बात की थी, तो सर्टेनली भारती एयरटेल इज वन ऑफ द सेफर कंपनीज, क्योंकि जो नंबर्स है उनके आंकड़े अच्छे ही आएंगे और जिस हिसाब से वी वर एक्सपेक्टिंग द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टू गो अप, ऑफकोर्स दैट हैज नॉट हैपेंड, पर दे आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट साइकिल, जिसकी वजह से फ्री कैश फ्लोज बढ़ेंगे। और एक और बढ़िया बात यह है कि जो उनकी सब्सिडरीज है, ओवरसीज सब्सिडरीज है इन अफ्रीका, दे आर ग्रेजुअली क्रिएटिंग वैल्यू एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सर्टेनली एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट एक्शन इज डेफिनेटली पॉसिबल और सम वैल्यू अनलॉकिंग इज सर्टेनली पॉसिबल ओवर देयर। बट ऑन द होल आई थिंक एक बहुत ही वेल मैनेज कंपनी है और जिस हिसाब से अभी डुओपोली हो चुकी है इन द टेलीकॉम मार्केट, सर्टेनली भारती एयरटेल बी एबल टू एटलीस्ट प्रोटेक्ट इट्स मार्जिन्स एंड जैसे जैसे चांस मिलेगा आई थिंक दे विल सर्टेनली ट्राई एंड इंक्रीज द यील्ड्स। अच्छा दीपन जी, अगर मैं इक्विटी के जिस सेंस आपने जब इनकम फंड का जिक्र किया तो मैं शायद मेरे जहन में वो भी एक सवाल आ रहा था, रियल स्टेट ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिया है, क्या गोल्ड पे फोकस करने का टाइम है थोड़ा सा? कैन आई शिफ्ट टू गोल्ड ETF फॉर सम टाइम? नो, आई एम नॉट दैट पॉजिटिव ऑन गोल्ड, काफी हद तक रन अप हो चुका है एंड नाउ हैज गॉट सॉलिड कंपटीशन फ्रॉम बिटकॉइन ग्लोबली, सो आई वुड बी अ बिट यू नो अंडरवेट एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। ऐसी कोई खास ट्रिगर भी नहीं है, इतने सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आ चुके हैं, देयर वाज अ वॉर, देयर बीन टू वॉर्स and there was also the pandemic before that. Bawajood, I think gold has been not the preferred asset class. But this income funds look very interesting and I would want to say one line on them. Iski jo bhi aapko yield mil rahi hai is samay, I think that's the minimum yield that you will get. And from this point on, I think globally and in India, interest rates certainly should flatten out or start to decline. और अगर जो फॉरेन का पैसा आने वाला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम होगी, तो ऑल ऑफ दैट विल बेनिफिट इनकम फंड्स कंसिडरेबली एंड यू मे एक्चुअली सी द यील्ड्स गो डाउन फॉर इनकम फंड्स, द एनएवी ऑफ द इनकम फंड्स विल गो अप, दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। और आई थिंक इस मार्केट में थोड़ी आपको सेफ्टी पर नजर रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2400 घंटे 12 मास आपको तेजी तेजी दिखने को मिलेगी, there have to be periods of bear market, there will be periods of sideways movement, और ये सब है जो it's a life journey, it's a journey in the stock market की हमेशा हर month हर साल तेजी नहीं होती है, कुछ साल कुछ महीने खराब भी हो सकते हैं, which is very healthy for the long term bull market. So I'm expecting that this year could be a bit light, a bit soft. Investors need to curtail their expectations for returns, and income funds offer a good safe haven for them to park their money for maybe 6 months, 1 year, 2 years, who knows, and then look for buying stocks in a very careful, well-researched manner when they are really attractive valuations. ये बात तो आपकी दीपन सर बिल्कुल सही है, ये बात मैं और अनुज कर भी रहे थे कुछ दिन पहले, ये 2020 के बाद की जनरेशन ने अभी तक मंदी देखी नहीं, वो 2008, 9, 10, उसके बाद 12, 13 और 3-4 वो रहा टाइम तो देखा ही नहीं, मिड कैप खाली बैठ रहे थे डीलर्स, वो दौर तो देखा ही नहीं आपने। खैर, आपकी स्क्रीन पे लगभग निफ्टी 21992 और बैंक निफ्टी 46400 पे प्रेशर बढ़ता हुआ। दीपन बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीकेंड प्लान दीपन, कोई OTT या फिर कोई मूवी सेलेक्ट की इस बार? Investors that rather than doing a lot of trading in the market, take some time off. बहुत ही खतरनाक ख्याल से कुछ next few weeks will be very challenging. बिल्कुल, yes, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बहुत